नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल से आने जाने वाली ट्रेन में चाकू और डंडा से यात्रियों को घायल करके लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गैंग जीआरपी भोपाल के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए 6 आरोपियों ने 26 मार्च को फरियादी राजेश सोनी निवासी गंज बासोदा की शिकायत पर बिलासपुर भोपाल पैसेंजर में भानपुर ओवरब्रिज के पास रेलवे स्टेशन भोपाल आने के पहले ट्रेन धीमी होने पर अज्ञात 4 आरोपियों ने चाकू से हाथों पर चोट पहुंचाकर फरियादी का बैग लूटकर चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए। फरियादी का बैग जिसके अंदर नकदी 3 लाख रुपए सोने के जेवर रखे हुए थे। जीआरपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी संसाधनों से आरोपियों का पता लगाया और लूटे गए रुपए और सोने के आभूषण घटना में इस्तेमाल एक्टिवा को बरामद कर लिया। टीआई जहीर खान ने बताया कि 2 आरोपी गंजबासोदा के रहने वाले हैं जबकि 4 आरोपी पुराने भोपाल के हैं। गंजबासोदा में रहने वाले आरोपियों ने पहले फरियादी की रोकी थी उसके बाद चलती ट्रेन में चाकू अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों में आदिल, शाहरुख, साहिल, अबुजर सहित एक नाबालिग शामिल है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। वो जो गंज बसोदा वाले लोग थे, दोनों जिन्होंने रैकी की, वो राजेश सोनी को जानते थे और राजेश सोनी भी संभवतः उनको जानता था, ऐसा उनको था, इसलिए वो सामने भी नहीं आया। मतलब रैकी इसी दरमियान हाँ, इन्होंने बाकी लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और वो जो 2 रैकी वाले थे वो भी उसी ट्रेन में थे लेकिन वो सामने नहीं आए क्योंकि वो भी रहने वाले गंज बसोदा के थे, राजेश सोनी भी रहने वाला गंज बसोदा का था, तो उनको ऐसा अंदाजा था कि राजेश सोनी उनको जानता है। अभी जितनी हमने पूछताछ करी है अभी उतने में तो ये तो खुलासा हुआ भी है। अभी हमारे पास और आरोपी है, अभी जो आज पे पकड़ा गया उससे भी पूछताछ कर रहे हैं गंज बसोदा का कि किस तरह की पहले कोई घटना हुई है तो उसका भी खुलासा होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।